हाँ, जय माँ बगला देवी। जय माता जी की बेटे। हाँ माता जी, परेशानी है थोड़ी, लिख के पहुंचाइए आपके पास। अपना शुभ नाम बोलिए बेटे। मुकेश, अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? इंदौर दूधिया गांव करके है। हाँ, और क्या प्रश्न है आपका, क्या पूछना चाह रहे थे? यही पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में कुछ करा हुआ ऐसा लग रहा है, जैसे हम काम धंधा करते तो पैसे नहीं बचते, ये वो, और ऐसी परेशानियां आती रहती है। और मेरे लड़कों को मतलब एक झूठे केस में भी फंसा दिया है मर्डर के, और हाँ, आज मेरी नौकरी भी छूट गई, क्या मालूम क्या ऐसा है, तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। आज नौकरी से भी भगा दिया। सरकारी नौकरी थी। नहीं, प्राइवेट ही जॉब करता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ माता। थोड़ा अच्छा, देख लो समाधान, आपके जो भी जीवन में, होगा। हाँ आपके जीवन में जो काल व्याप रहा है, जो हाँ पूरे आपके सहित पूरे घर को ग्रास बना चुका है, और यह काल के भय से आप इतने भयभीत हो गए हैं कि चारों तरफ आपके जीवन में अंधकार ही नजर आ रहा है। आपको माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ, ये भूत प्रेत जितने भी हैं ना, पिशाच, जो आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, तो ये भूत प्रेत पिशाच ही है जो अपने घर में स्थापित हो जाते हैं और अपन को जो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, उल्टा परिणाम, मतलब अच्छा, हानि ही हानि, रोग हानि, धन हानि, मान हानि, प्रतिष्ठा की जो हानि है वो भूत प्रेत बाधाओं के कारण होती है। तो ये भूतों के नाथ कौन है? बाबा भोलेनाथ ही तो हैं। तो हाँ ये भूत ना हे भूतों के नाथ, अपने ये भूत प्रेत पिशाचों को अपने कंट्रोल में करिए और अपने स्थान में बुला लीजिए, और हमें सुख समृद्धि और सम्मान प्रतिष्ठा नौकरी सबकी प्राप्ति हो भगवान, और काल के भय से मुक्त कराइए। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा भोलेनाथ का ही अपन को दीक्षा लेकर के ध्यान करना चाहिए, और भोलेनाथ के रूप में भजोगे तो प्राप्त नहीं होगा, आप इनका विकराल रूप, जो भैरव रूप है, जो देवताओं से भी नहीं डरते हैं बाबा भैरव जी, तो उनका अच्छा, दीक्षा लेकर के उनका ध्यान करिए। और काल कोठरी में अगर अपना परिवार चला गया है, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा लेकर के आप आराधना करें। माँ भगवती आपके कार्य सिद्ध करेंगी, सफल करेंगी, और जीवन में आप संपूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटे। ये जो मेरे लड़के फंसे, फिर ये माता जी आप देखो कि ये छूटेंगे कि नहीं। हमने आपको उपाय बताया कि माँ भगवती बगलामुखी देवी जो है काल कोठरी से मुक्त कराने वाली देवी हैं, लेकिन इनके शरण में आपको निष्काम, निश्चल, निष्कपट भाव से मैया की सेवा करनी होगी, मैया की आराधना करनी होगी। सेवा का मतलब मैया की आराधना, भक्ति आपको करना है, गुरु दीक्षा धारण करके, तो आपके फेवर में कार्य होगा, सफलता प्राप्त होगी आपको, और जीवन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सटीक न्याय की प्राप्ति होती है बेटे। अच्छा, हाँ, ये जैसे आपका धाम कहाँ पे पड़ेगा माता जी, अगर आना चाहे तो? सिवनी, मध्य प्रदेश, इंदौर से डायरेक्ट गाड़ी है सिवनी के लिए। हाँ, सिवनी, सिवनी बालापुर, वो हाँ, वहां घाट से बालाघाट घाट बालाघाट, में, मतलब कि ये अपना, ये क्या बैतूल के आगे जो पड़ता छे, हाँ, छिंदवाड़ा के पास। छिंदवाड़ा के पास जो सिवनी है, हाँ, वही वही। वही ना? हाँ,